ఢిల్లీలో అరుణ్ జైట్లీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Such projects, one, such projects vital to national security or defense of India and every part thereof, including preparation for defense or defense production. Ab original act mein defense of India or national security exempted purpose nahi the. तो आपको डिफेंस की कोई सीक्रेट इंस्टॉलेशंस भी करनी है और उसके लिए जमीन चाहिए, इंस्टॉलेशंस भी करनी है और उसके लिए जमीन चाहिए, तो आपको उसी प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा. सो पहला है डिफेंस ऑफ इंडिया, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन. तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, अगर वो बननी है या कोई और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है, वो एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं था. तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर पीपल. फाइनेंस मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में अफोर्डेबल हाउसिंग डिफाइंड है. चौथा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स. ये कॉरिडोर्स इसलिए रखा गया कि कॉरिडोर से एक कंपोजिट डेवलपमेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता है और हाईवे के दोनों तरफ एक एक किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, तो उसका पूरे एरिया पे जो ग्रामीण क्षेत्र साथ में होता है, एक बैलेंस डेवलपमेंट उसका होता है. और पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वेयर ओनरशिप ऑफ लैंड कंटिन्यूज टू वेस्ट इन गवर्नमेंट. सो पहला नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर, चौथा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, और पांचवा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जमीन की मलकियत सरकार की रहेगी. अगर ये पर्पसेस के लिए एक्विजिशन होता है, तो दो जो चैप्टर्स हैं और जो इसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एक कंसेंट बहुत लोगों की चाहिए होगी 80% 70% की, दूसरा सारा प्रोसेस ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, तीसरा फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, वो वाले प्रावधान फिर अप्लाई नहीं करेंगे. सो द बैलेंस विच वी हैव अचीव्ड इज कि इन पांच डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए अगर जमीन चाहिए, तो प्रोसीजर्स हैव बीन रिलैक्स्ड, हायर कॉम्पेंसेशन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, एंड दैट हायर कॉम्पेंसेशन हैज बीन मेड एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जेम्प्टेड एक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015. इसके अलावा कुछ और प्रोसीजरल करेक्शंस और कॉन्सिक्वेंशियल करेक्शंस हैं उस एक्ट में, क्योंकि जिस तरीके से बना था कई ओवरसाइट एरर्स भी थे. कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज में करेक्ट हो रहे हैं, और जो उसमें करेक्ट नहीं हो सकते वो फिर अमेंडमेंट के प्रोसीजर से करेक्ट होते हैं. जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, इफ लैंड इज मेड अवेलेबल फॉर अ कंपनी, अब उस कंपनी को एंटिटी कर दिया गया है, और एंटिटी की परिभाषा, उसके पीछे कारण यह है कि कोई व्यक्ति कंपनी के स्थान पर पार्टनरशिप बना ले तो वो रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगेगी. तो दीज आर ओवरसाइट एरर्स. इन अ नटशेल वी हैव ट्राइड टू अचीव अ बैलेंस where higher compensation will continue and higher compensation and R&R will be applicable even to all exempted acts. At the same time, the procedural rigors
will be loosened or eased in relation to five purposes, और इनमें से अधिकतर पर्पस वो हैं जो डेवलपमेंट का और रूरल डेवलपमेंट का भी जिनसे संबंध है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर, अब गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं तो सस्ते मकान उनके लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में से निकलते जाएंगे, दीज आर नैरो कॉरिडोर्स नेक्स्ट टू द हाईवेज विच गो थ्रू द रूरल एरियाज, तो दे विल लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज. तो इन पर्पसेस के लिए हमने प्रोसीजरल जो प्रोसेसेस थे उनको थोड़ा लूजन किया है. दिस इज द बैलेंस दैट दिस ऑर्डिनेंस सीक्स टू अचीव. द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट the compensation R&R interest of the farmer is paramount, so we have retained all the liberal provisions and extended those provisions to the exempted acts, at the same time eased the procedural requirements so that developmental activity for these five areas can also continue. Thank you. That consent clause was applicable to public-private partnerships. So if acquisition is for some of these purposes, then that consent clause will be exempted. Sir, सबसे बड़ा सवाल housing for affordable houses के लिए private कई कंपनियां दी जाती थी और उसमें गांव के लोग को चाहे जो उनको परेशानी होती थी और कई केसेस हैं अभी खासकर एनसीआर में, तो ये तो जो पहले इसको बाधित किया गया था इसे रोकने की कोशिश की गई थी यूपी सरकार द्वारा, तो लिबरल देखिए इस देश में 35% लोगों के पास प्रॉपर हाउसिंग है.